आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचआर रिक्रूटर के रोल के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं और एचआर में अपना करियर सोच रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सबसे पहले एचआर रिक्रूटर का काम होता है जॉब की जरूरतों को समझना। वो मैनेजर्स और टीम लीडर्स से मिलकर ये पता लगाते हैं कि किसी खास पोस्ट के लिए क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन चाहिए। सही कैंडिडेट ढूंढने के लिए ये पहला और बहुत जरूरी कदम है। फिर वो जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एचआर रिक्रूटर आकर्षक और पूरी जानकारी देने वाला एड तैयार करते हैं। ये एड जॉब पोर्टल्स, सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर लगाए जाते हैं। अब कैंडिडेट्स को ढूंढने और स्क्रीनिंग करने की बारी आती है। अलग अलग सोर्स से मिले हुए रिज्यूमे को देखना और उनमें से सही कैंडिडेट्स को चुनना, ये भी एचआर रिक्रूटर ही करते हैं। चौथा स्टेप है इंटरव्यूज को ऑर्गेनाइज करना। चुने गए कैंडिडेट्स के साथ शुरुआती इंटरव्यू होते हैं जहां उनकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और जॉब के लिए उनकी इंटरेस्ट को देखा जाता है। एचआर रिक्रूटर दूसरे मैनेजर्स से भी तालमेल बिठाते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स के इंटरव्यू मैनेजर्स करते हैं और इस पूरी प्रोसेस में एचआर रिक्रूटर साथ में काम करते हैं। जब कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो एचआर रिक्रूटर उन्हें ऑफर लेटर देते हैं और बाकी जरूरी पेपर वर्क भी पूरी करते हैं। आखिर में नए एम्प्लॉइज की ऑनबोर्डिंग भी एचआर रिक्रूटर की जिम्मेदारी होती है। नए लोगों का वेलकम करना और उन्हें कंपनी की पॉलिसी, प्रोसेस और बाकी टीम मेंबर्स से मिलवाना भी उनका काम है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैंडिडेट्स और मैनेजर्स से अच्छे से बातचीत करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही कैंडिडेट्स को ढूंढना और चुनना, ऑर्गेनाइजेशन, ढेर सारे रिज्यूमे और कैंडिडेट्स को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, भर्ती की प्रक्रिया को सही समय पर पूरा करना। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एचआर रिक्रूटर का रोल कंपनी में बहुत अहम होता है। वो ये पक्का करते हैं कि कंपनी को सही समय पर सही टैलेंट मिले। अगर आप एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा वीडियो एचआर रिक्रूटर के रोल के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इसे अपने करियर के लिए ढंग से यूज कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।